अरे बिंदी यार, बचपन में भी कितने मजे करते हैं। बचपन नहीं, हमारा बिस्तर है। और ये क्या तरीका है आने का? मतलब ये कि यहाँ का आए हो? इतना गुस्सा काहे हो रही हो बिंदी यार, बचपन में तो ऐसा नहीं क्या करती थी? क्या बचपन लगा के रखा है, अब हम बच्चे नहीं। सुहागन सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें एक काफी एक्साइटिंग और अलग सा ट्रैक बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। फिलहाल सुहागन सीरियल के सेट से एक नया प्रोमो सामने आया है। बड़े हो गए और हमारी शादी हो चुकी है। मतलब बड़े हो गए तो अब दोस्ती खत्म हो जाएगी? हाँ, दोस्ती खत्म नहीं होती, पर हर रिश्ते की तरह दोस्ती की भी एक सीमा होती है, जिसे लांघना बदतमीजी कहलाती है। अरे बिन, चलो अब हम चलते हैं। जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई इस बार सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, सब कुछ सॉल्व हो गया है। पायल का किस्सा भी जो है अब बिंदिया और क्रिश की जिंदगी से खत्म हो गया है। फिर आते हैं मिलने बाद में, हम लोग फिल्म देखना जाना चाहते हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ, शाम को चलते हैं। कृष्णा जी, सारी जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था, बस बिरजू हमने कमरे में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई क्रिश और बिंदिया मिलकर एक प्यारे से डेट पर आए हैं और दोनों काफी खुश हैं। बिंदिया भाई काफी प्यारी लग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश जो है बिंदिया को प्रपोज करने वाला है। अरे क्या यार बिंदिया, तुमसे किसी ने सफाई मांगी? नहीं ना, तो फिर क्यों दे रही हो सफाई? और हमें अच्छी तरह से याद है कि हमने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था, यही कि हम तुम पर कभी शक नहीं करेंगे। इसी बीच कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई एक लड़का आता है, यानी कि एक आदमी आता है जो बिंदिया को कहता है कि तुम अपने पहले प्यार को कभी। तो फिर कैसे कर सकते हैं शक? एक बार समय के साथ तुम्हारा नाम जोड़कर हमने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी, हम उस गलती को दोहराना नहीं चाहते। और हम जानते हैं ये बिरजू थोड़ा अजीब है, इसलिए टेंशन मत लो। भूल नहीं सकती और मैं तुम्हारा पति हूँ। तो आगे आने वाले एपिसोड में देखना काफी एक्साइटिंग होने वाला है कि भाई आखिर ये इंसान है कौन, और जो बिंदिया को दोबारा से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, आखिर कौन है बिंदिया का पहला पति और आखिर कौन है बिंदिया का पहला प्यार, ये तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल सुहागन सीरियल के एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई पायल की सच्चाई फाइनली सभी घर वालों के सामने आ गई है, और यहाँ पर भाई क्रिश और बिंदिया जो है अपने नए प्लान में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कामयाब हो जाते हैं, और यहाँ पर पायल जो है अपने ही मुंह से सारे अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लेती है, और इस बार जो है पायल मैडम को जेल हो जाती है। लेकिन भाई इस बार पायल काफी ज्यादा गुस्से में आती है और बिंदिया पर हमला करने वाली ही होती है, लेकिन इस बार वो खुद ही गिर जाती है, और कांच के टेबल पर गिरने की वजह से इस बार पायल मैडम को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। लेकिन अब आगे हम देख रहे हैं कि भाई हमारी पायल मैडम जो है काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, और हो सकता है कि इस बार पायल का किस्सा जो है क्रिश और बिंदिया की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पर पायल की मौत हो जाए। तो बाकी आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार पायल मैडम बच पाएंगे या नहीं, और आखिर ये इंसान है कौन जो बिंदिया को दोबारा से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है।